डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री मैंने भेजा था, आपको रिवाइज कर लिया होगा। अभी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप नया वीडियो देखो उसके पहले आपको पहले वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बहुत छोटे छोटे वीडियोस आप भेज रहे हैं कि जिससे आप रिविजन कर पाओ। अगर चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो वीडियो नहीं देखोगे तो चलेगा। आज मैं आपको बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर का डिस्कस कर रहा हूं और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। दो ऐसे टॉपिक है जो मैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो जब हम इंस्टीट्यूट चालू करेंगे तब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। उसमें आपकी फिजिकल प्रेजेंट जरूरी है। सो हमारा टॉपिक वन था फाइंड जीसीएफ एंड एलसीएम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट टू था फाइंड जीसीएफ एंड एलसीएम विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड। पार्ट थ्री था विदाउट यूजिंग डिवीजन मेथड कन्वर्ट अ गिवन नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म एंड चेक वेदर इट इज कन्वर्टेड और नॉट। मैं इस टॉपिक का आपको एक रिविजन दे देता हूं क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, एक सम लिया है मैंने 43 upon 2000 कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको 2000 को 10 के मल्टीपल में यानी 2 एंड 5 के डेज में लाना है। 2 1000, 2 500, 250, 125, 25, 5, 1। अब एक बात का ध्यान रखना कि जब आप इसका फैक्टराइजेशन करो और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है तो कंफर्म हो गया कि वो फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो आपको सीधा लिख देने का होता है, जैसे कि यहां पे 3 आया तो रिजल्ट लिखने का 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10, देयरफॉर वी कैन नॉट कन्वर्ट अ गिवन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। लेकिन यहां पे सब के सब नंबर 2 एंड 5 के फॉर्म में है। सो 43 2 रेज टू 4 एंड 5 क्यूब, ये हमारा पहला स्टेप है जो कंप्लीट हो गया। अब आपको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एडवांस मेथड सिखाया था कि 2 रेज टू 4 एंड 5 रेज टू 3, 4 और 3 में लोएस्ट पावर कौन है? 3। तो आप 2 और 5 दोनों को 3 के पावर में कन्वर्ट करो, यानी 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। 2 रेस टू 4 में से 2 रेस टू 3 ले लिया, 2 रेस टू 1 नहीं लिया, वो लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 43 अपॉन 2 रेस टू 3 एंड 5 रेस टू 3, दैट इज 10 रेस टू 3। तो एक नंबर 10 के मल्टीपल में आ गया, अभी 2 रेस टू 1 बचा। 2 रेस टू 1 को 10 के मल्टीपल में लाने के लिए मुझे 5 रेस टू 1, 5 रेस टू 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 43 10 रेस टू 3, 43 इंटू 5 और 2 रेस टू 1 एंड 5 रेस टू 1, 10 रेस टू 1 हो गया। तो अब देखिए पूरा डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में आ चुका है। 5 3 जा 15, 1, 5 4 जा 20 प्लस 1, 21 अपॉन 3 प्लस 1, 10 रेस टू 4। सो 215 को 4 डेसिमल में कन्वर्ट करो, 0.0215, ये आपका आंसर हुआ। ये मैंने आपको रिवाइज कराया टॉपिक 3। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक में जो हाईएस्ट रिपीटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन है। सी, मैंने 2 सम आपके लिख के रखे, पूरे टेक्स्ट बुक में हमारे पास एक ही सम है, एक सम मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। फाइंड द जीसीएफ एंड एलसीएम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, नॉट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नॉट विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड, नॉट विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिदम, नॉट विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला? एससीएफ ऑफ ए बी
into LCM of AB is equal to AB. Points of ना? एक SCF है, एक LCF है, और एक जो दो नंबर दिए हैं वो. मैं आपको SCF दूंगा तो LCM पूछूंगा, LCM दूंगा तो SCF पूछूंगा. अब अपना पहला सम देख लो. मैंने आपको SCF दे दिया है. सबसे पहले डिसाइड करो कि यहां पे A और B का रोल कौन कर रहा है. तो A है 306, B है 657. अब मैं आंसर लिखना शुरू करता हूं. SCF ऑफ 306, 657 इंटू LCM ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657. जहां जहां AB था, जहां जहां AB था, मैंने वहां पे 306, 657 लिख दिया है. ये मुझे A और B कहां से मिला? SCF से मिलेगा, दूसरे सब में मुझे LCM से मिलेगा. अब मैंने आपको SCF ऑफ 306, 657 9 दे दिया है. सो 9 इंटू LCM इक्वल टू 306 इंटू 657. देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 306 अपॉन 657 अपॉन 9. 3 3 जा 3, 1 जा 3 0, 3 2, 3 3 जा 9, 3 4 जा 10. सो 657 इंटू 34 का जो भी मल्टीप्लीकेशन आता है वो आपका आंसर हो गया LCM का. वापिस SCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू AB, ये हमारा फॉर्मूला है. A और B का रोल करेगा जो SCF के साथ नंबर दिया है वो. SCF ऑफ AB तो A इज इक्वल टू 306 एंड B इज इक्वल टू 657. मैंने जहां A और B है वहां पे 607 57 लिख दिया है. अब आपको मैंने SCF का आंसर दे दिया था 9, वो रख दिया. LCM मुझे फाइंड आउट करना है. A का रोल कर रहा है 306 और B का रोल कर रहा है 657. 9 को ट्रांसपोर्ट किया, कैंसलेशन किया, आंसर मिल गया. अब मैं दूसरा सम ले रहा हूं, सेम फॉर्मूला. मैंने सेकेंड सम में आपको LCM दे दिया है 77 एंड 99. सबसे पहले A का रोल कौन करेगा और B का रोल कौन करेगा वो हमको डिफाइन करना रहेगा. तो A और B क्या क्या है वो मैं पहले लिख देता हूं. A इज इक्वल टू 77, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड सम. B इज इक्वल टू 99. SCF of 77 and 99 into LCM of 77 and 99 is equal to 77 into 99. अब आपको LCM मैंने दे दिया 693. We don't have LCF, वो तो मुझे find करना है. LCF into LCM 693 is equal to 677 into 99. SCF is equal to 77 into 99 upon 693. अब एक बात का ध्यान रखना, और एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी SCF और LCM का आंसर फ्रैक्शन में नहीं आता, ये ध्यान रखना. यानी हमेशा ये कैंसलेशन हो ही जाएगा. 11 6 जा 66, 11 3 जा 33, 11 7 जा 7 9 जा 9 11 जा. सो आपका आंसर हुआ 11. ये हमारा चैप्टर 1 का आखिरी टॉपिक था जो मैंने आज आपको डिस्कस किया. स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 के टोटल 6 टॉपिक में से 4 टॉपिक मैंने आपको डिस्कस कर दिए. जैसे मैंने बताया, 2 टॉपिक जब इंस्टीट्यूट चालू होगा तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं. ये 4 टॉपिक के वीडियोस आप बहुत अच्छी तरह से बार बार देख लेना. मैं आज आपको एक बहुत तगड़ी वर्कशीट भेज रहा हूं ये 4 टॉपिक की. और ये संडे को आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा. पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मैं जो क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सअप कर रहा हूं वो संडे मॉर्निंग में ही करूंगा. जैसे मैं आपको व्हाट्सअप करूं पेपर, इमीडिएटली मोबाइल में से ही बच्चे को जिसमें वो नोटबुक में लिखवा देना जिसमें वो लोग बाकी की वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं. जब इंस्टीट्यूट ओपन होगा तब मैं ये पेपर चेक कर लूंगा.
पेरेंट्स को यह ध्यान रखना रहेगा कि जैसे बच्चा पेपर लिख लेता है, आप एक बार पेपर चेक कर लीजिएगा, नीचे साइन कर दीजिएगा, और जहां पे बच्चे ने जगह छोड़ी है वहां पे डबल लाइन का देना। अगर कोई सम उसको नहीं आया तो आप पेरेंट्स बहुत होशियार हो, कैसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए आपको अच्छी तरह से आता ही है। सो, एक बार बच्चा पेपर लिख ले उसके बाद उसमें वापिस ना लिख सके ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर देना। थैंक यू, टेक केयर, संदीप सर।